दोस्तों अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको ना कामयाब देखना चाहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप अपने लिए कामयाब नहीं हो सकते तो उन लोगों को कामयाब होकर दिखाओ जो आपको कहते हैं कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं एडवांस मैथ की दुनिया के अंदर। अपनी जो अगली शेप है स्क्रीन पर देखिए, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। बहुत अच्छा टॉपिक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। याद रखिएगा, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आज के बाद दोस्तों इन दोनों शेप से रिलेटिव मेंसुरेशन के अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और यूनिक तरीके से दिखाएंगे आज आपको दोस्तों समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज एक ही शेप के अंदर दिखाएंगे। और आज आपको मैं फार्मूला बनाना ही सिखाऊंगा, कभी भी फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और ना ही क्वेश्चन फंसेगा। तो बस दोस्तों वीडियो देखिएगा, फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मजा आया या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये समबाहु त्रिभुज क्या होती है। इसके नाम में ही पता चल रहा है समबाहु। अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें, समबाहु, बाहु बोले तो भुजाएं और सम मीन समान, यानी कि जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको हम बोल देते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे अगर इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दोस्तों याद रखिएगा तीनों भुजाएं ही क्या हो जाएंगी, 5-5 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो अब हम फार्मूलों का जिक्र करते हैं। मैं इसके अंदर से फार्मूले निकालने जा रहा हूं, यही देखने वाला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरामीटर, यानी जिसको परिमाप बोल देते हैं, जिसको परिमिति बोल देते हैं, या जिसको हम पैरामीटर बोल सकते हैं। ये क्या होता है, पहले भी बता चुका हूं कि सभी की सभी साइडों का योग, यानी कि उसको हम क्या बोल देते हैं, परिमाप बोल देते हैं। तो यहां पर इस समबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, यानी कि मैंने एक भुजा को अगर A माना तो तीनों की तीनों क्या हो जाएंगी, A हो जाएंगी। तो क्या मिल जाएगा, या तो A प्लस A प्लस A, तीनों को जोड़ दिया तो क्या मिला, परिमाप मिला। फार्मूला कैसे बनाएंगे याद रखिएगा, इसको हम 3 गुना AB कह सकते हैं, या इसको 3 गुना भुजा यानी कि 3 गुना साइड। तो ये हमारा पहला फार्मूला आ चुका है कि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसका परिमाप क्या होता है, 3 गुना साइड। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मेन स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखते रहिएगा इस टॉपिक को, पहला तो बिल्कुल आसान था। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जो समबाहु त्रिभुज होती है, अगर मैं इसको ये लो ऊपर से इस पर लंब गिरा देता हूं तो ये क्या मिल चुका है, इसकी ऊंचाई आ चुकी है। समबाहु त्रिभुज की क्या आ चुकी है, ऊंचाई। अब आपसे कोई पूछ ले कि ऊंचाई का फार्मूला क्या बनेगा हाइट का, तो कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा यहीं से हम एरिया निकालेंगे। तो मैंने क्या करा, ए बी सी, और ये क्या मान लिया, पी। तो अब आप एक चीज देखिए, जब मैंने समबाहु त्रिभुज के बीच में से लाइन को गिराया, लंब को गिराया, तो आपको इसके अंदर 2 समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही हैं। ध्यान से देखिएगा, एक तो हमारी बन गई एपीसी और एक एपीबी, 2 समकोण त्रिभुज। अगर दोस्तों सबसे पहले तो हम ये हाइट निकालने जा रहे हैं, तो हाइट के लिए याद रखिएगा एपीसी को लेकर चल रहे हैं। तो हम यहां से पहले तो बात करूंगा कि ये जो बेस है, अगर मैंने ये भुजा ए है तो सारी ए है। अब याद रखिएगा, अगर ये बी से सी तक, ये वाली साइड देखिए, ये वाली भुजा देखिए, अगर ए है, टोटल ए है,
तो ये P से C तक क्या होगी, तो ये दोस्तों हाफ हाफ हो जाएगी, A बटे टू A बटे टू। याद हो गया होगा कि मैंने इस B से लेकर C तक ये जो पूरी साइड थी इसको मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो हाफ हाफ होगी, B से P तक हाफ और P से C तक हाफ, यानी A बाय टू। अब सारे बच्चे, अब समकोण त्रिभुज का फार्मूला सभी ने सुना होगा कि करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते होंगे, पढ़ा भी होगा। अब मैं यही यहां पर लगाने जा रहा हूं, मेरा बेस क्या हो गया PC और हाइट क्या होगी यानी कि लंब क्या हो गया AP और करण क्या हो गया AC। अब दोस्तों मैंने निकालनी है ऊंचाई, ये वाली इसकी बात करते हैं, लंबाई या ऊंचाई, तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। करण स्क्वायर ये इधर आके माइनस आधार स्क्वायर, तो बराबर क्या मिल जाएगा लंबाई, यानी कि इसको आप हाइट या ऊंचाई भी कह सकते हो। अब करण क्या दे रखा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा A, यहां पर हो गया करण की जगह A स्क्वायर, माइनस आधार क्या दे रखा है A बाय टू स्क्वायर, और हाइट तो हमने निकालनी है। A स्क्वायर होता है, इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बाय फोर बराबर हाइट स्क्वायर। यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल हाइट स्क्वायर, तो फोर ए स्क्वायर में से जब ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या मिला, थ्री ए स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल हाइट स्क्वायर। हमें तो अब हाइट चाहिए, तो ये स्क्वायर खत्म करते हैं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट वर्गमूल हो जाएगा। अब तीन का वर्गमूल नहीं होता तो अंडर रूट तीन आ गया, ए स्क्वायर का क्या होता है ए होता है, और फोर का क्या होता है टू, तो हमें हाइट ऊंचाई क्या मिलगी, रूट तीन बाय टू गुना ए को क्या कह सकते हैं, भुजा बोल सकते हैं, तो ये ऊंचाई का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। तो समबाहु त्रिभुज की जब भी ऊंचाई निकालनी हो तो आप फार्मूला याद रख लीजिएगा, रूट तीन बाय टू गुना साइड। आपने याद नहीं करना, मैंने आपको ये फार्मूला बनाना सिखाया। अब मैं बात करता हूं कि ये हमने ऊंचाई, अगर दोस्तों इसी समकोण त्रिभुज का एपीसी का अगर मैं एरिया निकाल दूं, इसका एरिया निकाल दूं, उसका डबल कर दूं, तो ये पूरे का पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं एपीसी का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं हाफ का, तो पूरे का डबल करूंगा क्योंकि दो समकोण त्रिभुज हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरी एबीसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला भी आ जाएगा। तो पहले देखिए एपीसी का एरिया कैसे निकाला जाता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पता होगा वन बाय टू यानी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई यानी बेस गुना हाइट। तो एक फार्मूला और आ चुका है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, एक बटे दो गुना बेस गुना हाइट। अब यहां पर वैल्यू डालिए, वन बाय टू गुना आधार, बताइए मुझे क्या है, एपीसी का निकालने जा रहे हैं तो आधार ए बाय टू ही लेंगे, यहां पर आधार क्या लिया ए बाय टू, और ये जो ऊंचाई है जो हाइट है क्या आई, इधर ध्यान दीजिए, रूट थ्री बाय टू गुना ए, तो ये क्या आ जाएगा एपीसी यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। निकालिए क्या आया, तो ये हमें मिलेगा अंडर थ्री गुना ए स्क्वायर बाय एट, तो ये क्या मिल गया एपीसी का एरिया। अब हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का एरिया याद रखना है कि समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका डबल कर दीजिए, यानी दो गुना जो एपीसी का एरिया आया है, तो दो गुना क्या मिला, रूट थ्री बाय एट गुना ए स्क्वायर, ये कटेगा तो फोर, तो रूट थ्री बाय फोर गुना साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ये हमें क्या मिल गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसी शेप से मैंने आपको एक तो क्या सिखाया, समबाहु त्रिभुज का परिमिति या परिमाप कैसे निकालते हैं, फिर सिखाया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, फिर सिखाया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और फिर सिखाया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। चार चीजें दोस्तों आपको मैंने बना के दी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दोस्तों आपको किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड दे दी जाए, ध्यान रख लीजिएगा, तीनों साइड गिवन हो, यानी कि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो और अलग अलग दे रखी हो, तो दोस्तों उस केस में आप क्या करोगे, हीरोइंस फार्मूला लगाओगे। अब बात करते हैं ये हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, कब लगता है, याद रखिएगा जब आपको त्रिभुज की तीनों साइड अलग अलग दे रखी हो, तो तब आप क्या लगाओगे, हीरोइंस फार्मूला अप्लाई करोगे। क्या फार्मूला होता है, एस S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी और पूरे के ऊपर वर्गमूल, इसको बोलते हैं हीरोइंस फार्मूला। अब बात करते हैं ये S क्या होता है, S का मीन होता है दोस्तों सेमी पैरामीटर। अब ये होता क्या, कैसे निकलता है, जब दोस्तों आप तीनों भुजाओं को जोड़ के हाफ कर दोगे तो आपको S मिल जाएगा। ए बी सी का मीनिंग क्या है, पहली भुजा को A, दूसरी भुजा को B, तीसरी भुजा को C, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर अगर मैं हाफ कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेमी पैरामीटर प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था, तीनों साइड अगर आपको दे रखी हो तो आप क्या करोगे, हीरोइंस फार्मूला अप्लाई करोगे। तो दोस्तों आज मैंने पांच फार्मूले आपको मेंसुरेशन के अंदर, और मेन फार्मूले हैं, अगर दोस्तों आपको ये फार्मूले बनाने आते हैं याद, कभी मत कीजिएगा, आप भी इसको प्रैक्टिस कर बना के देखिए, अगर आपको भी बनाने आगे तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी आपका इस शेप का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये एडवांस मैथ है दोस्तों, बस थोड़ा सीखिए लेकिन सीखिए डिटेल में। तो बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों फिर मिलेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।